हाय एवरीवन, मैं हूँ अजित कुमार और मैं आज आपको प्योर वूल का साल आयरनिंग करके दिखाऊंगा। आप लोग कैसे घर पे प्योर वूल का साल को आयरनिंग कर सकते हैं विदाउट डैमेज, आप लोग आयरनिंग कर सकेंगे बहुत बढ़िया से। और जो भी आइडिया है, जो भी ट्रिक है, मैं वो करके दिखाऊंगा और बताते भी जाऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और साल कैसा फोल्डिंग होता है, जो साल का परफेक्ट फोल्डिंग है, वो मैं करके दिखाऊंगा। और ये बहुत नॉलेजफुल वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। और प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग देख सकते हैं, ये प्योर वूल का साल है, प्योर वूल का साल है, पूरा प्योर है। पहले हम पानी स्प्रे कर लेंगे बढ़िया से। तो पानी थोड़ा स्प्रे कर देंगे बढ़िया से। पानी स्प्रे करने के बाद इसको थोड़ा नरम होने देते हैं, एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा नरम हो जाए। लो टेम्परेचर पे ही स्टार्ट कीजिएगा आयरन। शुरुआत में लो टेम्परेचर ही रखिए आयरन का, और नीड्स के हिसाब से आप आयरनिंग का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अभी आयरनिंग शुरू करते हैं। ऐसे एक साफ कपड़ा लीजिए कॉटन का और साल का ऊपर बिछा दीजिए और पानी स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद आयरनिंग कीजिएगा। तो आपका साल जो है वो डैमेज भी नहीं होएगा और बहुत बढ़िया से फिनिशिंग हो जाएगा और कोई भी रिंकल वगैरह नहीं रहेगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस करते जाएंगे पूरा साल में। ऐसे ही कॉटन का कपड़ा को बिछाएंगे साल का ऊपर, पानी स्प्रे करेंगे और आयरनिंग करते जाएंगे पूरा साल में। डायरेक्ट आयरनिंग हमको नहीं करना है, साल का ऊपर डायरेक्ट आयरन नहीं बिठाना है या डायरेक्ट आयरनिंग नहीं करना है साल का ऊपर।